जी नमस्कार बी एन बी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं रूबी और आप देख रहे हैं बी एन बी की ताजा तरीन खबरें द्वितीय निःशुल्क पुस्तक वितरण मेला 2020 का किया गया आयोजन द्वितीय निःशुल्क पुस्तक वितरण मेला 2020 का आयोजन सर्कस मैदान ग्रेडी में किया गया मेले में हजारों की संख्या में पाठक व पुस्तक प्रेमी आए लगभग सत्रह टाइटल्स वितरित किए गए मेले के लिए प्रथम शिक्षा मंत्री झारखंड श्री चंद्रमोहन प्रसाद तो पूर्व जे सदस्य व रजिस्ट्रार बी भी यू ने प्रशंसा जाहिर करते हुए इसे ग्रिड के लिए स्वर उत्तम सोच बतलाया आयोजक संस्था के सचिव श्री रितेश चंद्र ने कहा कि हमारी संकल्पना है जिले में प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थागनों शिक्षाविदों के सहयोग से यह मेला आयोजित करने की परंपरा विकसित हो ताकि कोई छात्र अर्धभाव में उत्कृष्ट पुस्तकों से दूर न रह सके मात्र दस रुपये की सहयोग पर मनचाही पुस्तक प्राप्त करें प्राथमिक से स्थान कोतर एवं इंटर लेवल ग्रेजुएशन लेवल के सभी प्रतियोगिताओं के लिए पसंदीदा पुस्तकें श्वाल पेपर गैस पेपर साथ हैं लोक एस मटेरियल्स रिटेल सेल्स पर भी भारत सरकार की बेहतर मटेरियल्स भी उपलब्ध है जल्दी करें मौका न चुके हमारे इस संग्रह वितरण के प्रयास को समृद्ध करने में चिल्ड्रंस बुक्स अलकापुरी के सत्य प्रकाश सिंह शारदा भवन के मनीष कुमार उर्फ मिंटू तो आनंदम ट्यूटोरियल्स के संस्थापक आनंदम जी ने विविध प्रतियोगी पुस्तकें भी उपलब्ध कराई तो सारथी संस्था की ओर से स्किल डेवलपमेंट की पुस्तकें एवं सीडी उपलब्ध कराई तो बी नेस डी के शिक्षक मनीष कुमार सिन्हा मनीषा शाह जी ने तो डीओ कार्यालय के ओम प्रकाश जी ने पुस्तकों को अनूठा संकलन दिया मेले को सफल बनाने में मुख्य रूप से राजकुमार चौबे योगेंद्र प्रसाद वर्मा अभिवक्ता गीतेश चंद्र दीनानाथ चौबे नीरज सुमन अमित जयसवाल सोनाली काजल कुमारी अरविंद कुमार आरसी कुमार बास्के जैसे स्वयंसेवक ने मुख्य भूमिका निभाई हेल्प फाउंडेशन यह संकल्पना संजोए हैं कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष ऐसे निशुल्क व बेहतरीन मेले का स्वतः आयोजन होने लगे ताकि कमजोर वर्गों की विद्यार्थी को सहयोग मिल सके ज्ञात हो कोविड काल में भी संस्था ने लोक सहयोग से कोई सहारनीय हस्तक्षेप किए जो अन्य संस्थाओं के लिए भी आदर्श है संस्था ने प्रवासी पैदल मजदूर के लिए कुक फूड डिस्ट्रीब्यूशन से टिफिन पैक तक तो तीन हज़ार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ध्रपान व कोविड पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन व पिछले माह चौदह तारीख को प्रथम पुस्तक वितरण मेला किया था यह मेला उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी है व्यवस्था संबंधित सहयोग में प्रबल सहयोगी शिखर जी जल के एमडी रंजित प्रसाद सिन्हा जी एवं शिखर की जल एवं ट्रेकान जल के मालिक राजेश कुमार उर्फ राजू जी धन्यवाद के पात्र हैं इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रीडी कॉलेज के मीडिया प्रभारी अंकित राज ने हेल्प फाउंडेशन की निर्देशक श्री रितेश चंद्र के कार्य को बताया समाज के सबसे उत्कृष्ट कार्य में से एक जो समाज के लिए मिल का पत्थर साबित होगा गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर दस के निवासी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक के स्वयंसेवक और हेल्प फाउंडेशन के निर्देशक श्री रितेश चंद्र जी के द्वारा समाज हित में किया गया एक बहुत ही अच्छा कार्य आज दिनांक 11 नवंबर दो हज़ार बीस को हेल्प फाउंडेशन के द्वारा निशुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ग्रेडी के सर्कस मैदान में, में बहुत अच्छा से समापन किया गया छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों ने अपने आवश्यकता अनुसार निशुल्क पुस्तक का लाभ लिया फाउंडेशन के मुख्य सचिव रितेश चंद्र एवं हम सभी समाज सेवियों को बहुत खुशी हुई कि इस संस्था ने जरूरतमंद लोगों को निशुल्क पुस्तक पहुंचाने में सफल रहे हम और हमारे जिलावासियों की तरफ से इस फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम में मदद करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहे कब कहाँ और कैसे क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा जय हो जय हिंद सत्य में जयते वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले का यह दूसरा सत्र है इस वर्ष हम लोगों ने पिछले माह चौदह अगस्त को 14 चौदह अक्टूबर को नया पुल के पास पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये समझ में आया कि अभी भी जरूरत है पुस्तकों की हम लोगों ने कोविड के दौरान खासकर निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं को केंद्रित करके यह पुस्तक मेले का आयोजन किया अब तक पुस्तक मेले में पुस्तकें बेची जाती थी हम लोगों ने पहली बार यह प्रयान किया है कि हम पुस्तक वितरित कर रहे हैं और यह वितरण हमारे पैसे से केवल नहीं हमारे आपके से नहीं हमने पूरे कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास किया जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा थे उनसे घर से कलेक्शन की शिक्षकों से कलेक्शन किया और जो यहाँ के पुस्तक भंडार हैं इंस्टीट्यूशनस है उनसे हम लोगों ने मांगा कि आपके पास रेसिमेंट कॉपी अगर है तो आप हमें दें और उसके आधार पर यह पुस्तक मिला इस बार लगभग पंद्रह हज़ार से ऊपर की टाइटल्स हमारे पास है। क्लास वन से लेकर पीजी तक और सिपाही दौड़ से लेकर किसी भी तरह की परीक्षा के लिए यहाँ पर किताबें उपलब्ध हैं विज्ञान से लेकर संस्कृत भाषा तक उर्दू की अच्छी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं हमारा ये प्रयास है कि हमारा ये सपना भी है कि भविष्य में हमें पुस्तक मिला यहाँ पर गिरिडीह जिले में ऐसा लगे प्रतिवर्ष एक ऐसा लगे कि जिसमें सिर्फ निशुल्क पुस्तकों का वितरण हो यही हमारा प्रयास है। आज सर्कस मैदान में हेल्प फाउंडेशन के द्वारा निशुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया जिसके निर्देशक रितेश चंद्रा थे बहुत ही खुशी की बात है कि समाज के हित में लगातार रितेश चंद्र अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे समाज को काफ़ी हद तक तो फायदा हो रहा है और हम आशा करते हैं कि रितेश चंद्र इसी तरह समाज के हित में काम करें और हमारे समाज का नाम रोशन करें और आए दिन रितेश चंद्र की टीम ने जिले में ही नहीं पूरे झारखंड में निःशुल्क पुस्तक का आयोजन कर समाज में लोगों को ये संदेश दिया है कि आप भी किन्ने के लिए सहायता कर सकते हैं और निशुल्क या वो कोई भी चीज़ हो या तो फिर स्वास्थ्य का निशुल्क जांच हो या फिर पुस्तक केंद्र का निशुल्क निःशुल्क जाँच हो समाज में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और चंद्र जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है मैं उनकी टीम को अपने ओर से और जिले वासियों को से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद जी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूले तो फिर बने रहे बी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे क्योंकि बी सच है तो बोलेगा जय